बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हो रही थी और चार लोगों की रेलवे ट्रैक पे कटकर हत्या हो जाती है, लेकिन बार बार बच गए हैं। एक माना जा रहा है कि संयोजक थे जो जिनके ऊपर से ट्रेन लगातार गुजरती गई, पूरे के पूरे ट्रेन गुजर गई और फिर उनकी जिंदगी बच गई है। लगातार उनकी कोशिश थी कि हम रेलवे ट्रैक पर जाम करेंगे, लेकिन एक तरीके से कहे तो स्टेशन मास्टर को यह भी नहीं पता, जबकि एक घंटा से यहाँ आंदोलन हो रहा था। लोग अधिकारी लोग लगातार इनके फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और लगातार जो है स्टेशन मास्टर की दिक्कत है कि उन्होंने सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक के अंदर आ गए और सीट बूट के कारण आज उनकी जिंदगी बची है। और लगातार तस्वीरों में वो भी तस्वीर हम आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन किसी को भी पता नहीं था कि ट्रेन सीधे तौर पे रेलवे आंदोलन कर रहे लोगों के पार से ऊपर चली जाएगी। और तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो है पूरी के पूरे इकट्ठा हो गए। जब ये रेलवे ट्रैक को जब ये व्यक्ति को पार करता है तभी जाकर ट्रेन रुकती है। तो क्या लगता है आपको कि कैसी सरकार है और एक घंटा से आंदोलन हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? अगर किसी की हत्या होती उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? या तो सरकार इन लोगों को देखना नहीं चाहती है, या तो रेलवे लाइन बीटा औरंगाबाद देना नहीं चाहती है। अब मेरा नाम भजनलाल कुमार है और देसी न्यूज माध्यम से देखकर बहुत बहुत शुक्रिया। एक व्यक्ति के ऊपर जो है रेल जो है लगातार चढ़ा दी गई, लेकिन वह बार बार बच गए क्योंकि बच्चियों के पीछे जो थे वो सो गए हैं, बाकी लोग अगर बगल हट गए थे। अगर एक तरीके से कहा जाए तो फिर आखिर लोगों का सवाल है कि लाइन क्लियर कौन दे दिया? जब पहले से ही आंदोलन यहाँ हो रहा था, लगभग आधे घंटे एक घंटे पहले से ही आंदोलन यहाँ हो रही थी और प्रशासन भी खूब बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ट्रेन चढ़ा दिया गया है और लगातार वह बाल बाल बच चुके हैं। तो फिर में आप देखेंगे कि पूरी प्रशासन की तरफ से भी कोशिश था जो लगातार किया जा रहा था, लेकिन नहीं मानने के कारण जो है उनके ऊपर से ट्रेन जो है पूरी तरीके से पार कर चुकी थी।